खबर यूपी के कानपुर नगर से है, जहां आज संयुक्त विपक्षी मोर्चा की बैठक परिस्थित नारायणी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने कानपुर की जनता की समस्याओं को दूर करने से लेकर भारत बंद आंदोलन का निर्णय लिया, जिसमें मुख्य रूप से विपक्षी विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी मौजूद रहे। संयुक्त विपक्षी मोर्चे की ओर से आज शहर के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है, और जो किसान आंदोलन में 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसमें किसानों को समर्थन देने की योजना बनी है, और जो शहरवासी पीड़ित हैं इस समय वाहन चलान के नाम पर जो हत्या हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, वसूली हो रही है, इसको भी आवाज़ देने की बात आई है, तो हम लोग इसकी भी तारीख समय इस तय करके एक बड़ा आंदोलन जो वाहन चेकिंग के नाम पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी करने का काम करेंगे। क्या इस तरह आपके मुख्य रूप से क्या मांगे होंगे? अब चेकिंग का अधिकार तो ऐसा है जो होमगार्ड तक मोबाइल लिए घूम रहा है, ये जैसे अगर मैं कह दूं कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया तो गलत नहीं होगा। अगर पहले चलान होते थे तो कम से कम दरोगा इस तरह का अधिकारी चलान करता था, आज कोई भी मोबाइल लिए घूम रहा है, निकलना दूभर हो गया है और आधे चलान फर्जी हो रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका कार का चलान हुआ हेलमेट में, ऑटो का खड़ी है नो पार्किंग में, चलान कार के नंबर का हो रहा है, या गलत तरीके से चलान बहुत सारे हो रहे हैं, अभी इसको दुरुस्त करने की व्यवस्था उनके पास नहीं है और चलान का रेट बहुत ज़्यादा है। कई लोग ऐसे मिले जो सुबह 5 बजे घर के बगल के मंदिर 100 मीटर की दूरी पर जा रहे हैं, अब किसी ने फोटो खींच ली चलान हो गया। तो ऐसे जो गलत चलान है इनकी नीति बननी चाहिए कि चलान किन बातों पर होगा, किन चौराहों पर होगा, किन बातों का होगा। बगैर नीति के होमगार्ड सिपाही जिसको देखो मोबाइल लिए घूम रहे हैं, साइड में ले जा करके सौदा कर रहे हैं, सौदा हो जाने पर डिलीट कर दे रहे हैं, सौदा ना होने पर चलान आ रहा है, ऐसी व्यवस्थाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और चलान करने का अधिकार जिम्मेदार अधिकारियों को ही मिलना चाहिए, ये बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कानपुर दिल्ली हाईवे पर सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भौती ओवर ब्रिज के ऊपर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर के पर खच्चे उड़ गए। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई, ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।